हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 365 सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये जो वीडियो है ये है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 365 को लेकर के। तो आइए देखते हैं कि आज के इस वीडियो में खास क्या है। यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर कहीं रेटिंग दी गई है 1, 2, 3 में। तो जिनकी रेटिंग 1 है वो सबसे अच्छे हैं, जिनकी रेटिंग 2 है वो पुअर है, और जिनकी रेटिंग 3 है वो वेरी पुअर हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ से ड्रैग करता हूँ, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से अगर मैं ड्रैग कर लेता हूँ तो आप देखेंगे कि कहीं पर वेरी गुड, कहीं पर पुअर इस तरीके से लिखा हुआ आ रहा है, और कहीं पर वेरी पुअर भी आ रहा है, देख सकते हैं ना। अब ये कैसे आ रहा है, क्या मैंने किया है, आइए देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले जो भी फंक्शन लगाया था उसे हटा देता हूँ, और यहाँ पर यूज़ करेंगे हम क्या, स्विच फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे लगाइए स्विच इस तरीके से जैसे मैं लगा रहा हूँ। ठीक है, और अब आपको क्या करना है, यहाँ से रेटिंग को सेलेक्ट करना है। रेटिंग को सेलेक्ट किया, अगर B2 में रेटिंग जो है 1 दी गई हो तो 1 देने पे क्या होगा, वेरी गुड हो जाएगा। क्या होगा, वेरी गुड। यहाँ पे मैं दे देता हूँ वेरी गुड। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ B2 में रेटिंग 2 दी गई हो, ठीक है, अब आपको दोबारा B2 सेलेक्ट नहीं करना है, तो ऐसे में क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा पुअर। क्या हो जाएगा, पुअर हो जाएगा। तो POOR पुअर लिख दिया, कॉमा लगाया, फिर क्या करेंगे, अगर यही चीज 3 हो जाए तो वेरी पुअर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वेरी पुअर। देखिए बिल्कुल ऐसे ही आपको करना है, स्विच फंक्शन का यूज आप कर पाएंगे। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ये 1 लिखने के बाद आपको देना है कॉमा, अगर कॉमा नहीं देंगे तो दिक्कत हो जाएगी, आएगा नहीं आंसर। यहाँ पर भी आपको कॉमा लगाना है, जहाँ जहाँ भी नंबर आप दे रहे हैं उनके बाद कॉमा ज़रूर लगा दीजिएगा, और एंटर करेंगे तो यहाँ पर पुअर आ जाएगा, और जिसका जैसा रहेगा रिजल्ट उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे क्राइटेरिया समझिएगा, क्या दिया था मैंने, 1 के लिए दिया था हमने क्या, वेरी गुड। क्या दिया था, वेरी गुड, ये 1 के लिए था। ठीक है, 2 के लिए क्या था, पुअर था। 2 के लिए क्या था, पुअर POOR। ठीक है, और 3 के लिए क्या था, वेरी पुअर। तो यहाँ पे 3 के लिए हमने क्या कर दिया, वेरी पुअर। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये कंडीशन हमने दी थी जिस पर स्विच फंक्शन आपको यूज करके दिखाया। तो उम्मीद करता हूँ ये स्विच फंक्शन आपको जरूर समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल जिसका नाम है कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।